had I been in, you know, any regiment, armored, engineers and all that, mera apna personal take hai ki all units are good. I've seen, you know, generally youngsters, they are more obsessed and they have got an inclination towards special forces. It has been amazing journey, yaar, gana, peena, matlab ek zindagi kaise jeeni chahiye, I learned amongst Gurkhas. Imagine, jahan pe mere bete ko, ek bar kisi ne pucha tha, I think CEO only asked, ke kab tak bade hoke kya banna hai? He said, अंकल मुझे बड़े होकर आरपी हवलदार बनना है, है ना? आरपी हवलदार? अभी फॉर दोज हु आर लिसनिंग टू अस एंड दे डोंट नो व्हाट इज आरपी हवलदार, आरपी हवलदार यू नो जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स-एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस अकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। तो सर, ओटीए से अब यू गॉट कमीशन्ड इनटू गोरखास। हाँ। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? अ फ्यू इयर्स, फर्स्ट फ्यू इयर्स इन द गोरखास, हाउ, व्हाट ऑल लेसंस यू लर्नड एज अ यंग ऑफिसर, एंड व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर विद एस्पिरेंट्स? एंड सम ऑफिसर्स आर आल्सो वाचिंग, सर, माय कोर्समेट्स आर आल्सो देयर लाइव, सो आई जस्ट सॉ दैट। यस यार, सी, मैं हमेशा कहता हूं, देखो, अगर मैं एसी में होता, आई वुड हैव बीन अ ब्रांड एंबेसडर ऑफ एसी। Had I been in, you know, any regiment, armored, engineers and all that, mera apna personal take hai ki all units are good. I've seen, you know, generally youngsters, they are more obsessed and they have got an inclination towards special forces. Theek hai, they have their own reasons, why not? One should make personal choices. At the same time, you should work hard to earn that maroon beret, you know. Nothing is for free. With regards to Gurkhas, yaar, jana nahi chahta tha, jana SF mein chahta, but Gurkhas mein pahuncha. बट मैंने देखा कि, है ना, यूनिट से या नाम से या नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वन गुरखा राइफल, दिस गुरखा राइफल, दैट गुरखा राइफल, इट इज द मेन एंड द ऑफिसर्स हु मेक्स दैट बटालियन। अगर माहौल अच्छा है ना, आप कहीं पे भी मजे करोगे यार, चाहे वो 10 आदमी की टुकड़ी हो, चाहे 1000 आदमी हो, यूनिट चाहे एक्स वाई जेड हो, नंबर कोई भी हो, रेजिमेंट, आर्म्स एंड सर्विसेस कुछ भी हो, एटलीस्ट मैं नहीं मानता। आई ऑलवेज यूज टू टेस्ट माइसेल्फ। असम राइफल में गया, 20-22 साल हो गए, बट अभी भी आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज रेयर कमोडिटी जहां जवान फोन करके कहता है, साहब कैसे हो, इतने दिनों के आपने फोन नहीं किया, है ना, यू लॉस्ट ट्रैक, बैड ऑब्जर्वेशन, डांट देते हैं कई बारी, कहते इतने इतने दिन बात नहीं करते, रहते कहां, ज्यादा बिजी हो गया, कंपनी के मॉडर कोई ड्यूटी नहीं आपकी? मैंने कहा भाई ड्यूटी है, सॉरी भाई, गलती होगी मालिक, और कहता इसको ऐसे करना, मैं ठीक है, मेम साहब से पूछू तो डांट देते हैं। मेम साहब से क्या पूछना, कंपनी कमांडर हमारे हो, मैं ऑब्वियसली उसका तो मैं पति हूं भाई, कंपनी कमांडर तो तुम्हारा ही रहूंगा, उसका कंपनी कमांडर थोड़ी। So, Gurkhas में जब मैं गया ना, I realized कि यार, the acceptance level was very high. I had the most dynamic CEO of Indian Army that time, General Thodge. God bless her soul. My first CEO, a great, great man, warrior. है ना, जब बोलते लगता है कि ना tiger is speaking. है ना, कहीं stand लेना है whether for the unit, for the men. So, he used to say कि लगता था कि yes, सही जगह आ गया, बंदा ऐसा होना चाहिए. I had a great team of, you know, senior subalterns. Great JCOs and men. प्यार बेशुमार मिला, दबा के उन्होंने सिखाया, acceptance level was very high. And गुरखों में जाकर के यार बहुत कुछ सीखा मैंने तो. नेपाली बोलनी सीखी, गाना सीखा, पहले गाता था बट शर्माता था. उनको देखा, उनको they don't require a reason. जहां बता दो उधर ही ढोलक बजनी शुरू हो जाएगी, जामरे, नाचना गाना, ladies, बच्चे, they really make merry. तो मैंने भी पहली बार हिम्मत करके माइक उठाया, people appreciate कि साहब अच्छा गाते हो, गुड. मैं फिर गाते हैं, तो वहां से मैंने गाना शुरू किया. उनके साथ में फिर खुल के आया, फिर डांस भी करना सीखा. एंड फर्स्ट टीचर इन आई थिंक एनी ऑफ द यूनिट इज बड्डी ओनली, सेम वाज इन गुरखास. बहुत कुछ सिखाया साहब, ये चीज ऐसे करनी है, ये नहीं करनी है. जो चीज एकेडमी में नहीं सीखी वो यार यूनिट में जाके सीखी मैंने. यूनिट में बजने से इतनी फुर्सत नहीं होती थी, मतलब अकेडमी में वो बता भी रहे थे, ऐसे आंख खुली होती थी ना, ऑफिसर होता वाह क्या रिसेप्टिव मोड में है, कड़क लौंडा, बट भैया यहाँ तो है ना आंख खोल कर सो रही थी जनता, हमें क्या पता क्या पढ़ा दिया.
अकेडमी में वही काम ऑफिसर की बजाय एक जवान ने किया, मैं उस्ताद ये सेट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, साहब ये प्रेसल स्विच होता है, जब आप बोलोगे तो इसको दबाना है ना, फिर जब बात खत्म हो जाती है तो छोड़ देना है, फोन की तरह हेलो नहीं बोलते, इसमें ओवर बोलते हैं, ये कोड्स होते हैं, ये काउंटर साइन है, ऐसे बात करना है। तो पहले वो थ्योरी बताता था, मैं साहब अभी नमूना काम बयान के साथ, तो कहते साहब ऐसा करते हैं, एक सेट मैं लेता हूँ एक सेट आप, तो एक पत्थर के पीछे मैं जाके बैठता था, एक चट्टान के पीछे वो बैठता था, फिर देन आई यूज टू कन्वर्स विद हिम, एक पेपर मेरे पास होता था, दिस इज हाउ दे टॉट मी। फिर कुछ चीजें देखी जो अकेडमी में देखा था, आई रियलाइज है ना कि यूनिट में ऐसा होता है यार कि आने से पहले लोग बोलते थे ये जाट है इन अकेडमी, जब यूनिट में आया आई टुक माई कॉल कि नो आई एम नॉट ए जाट, आई एम ए गुरखा फर्स्ट एंड देन आई एम ए जाट। ये मैंने यूनिट में आगे सीखा है ना, इंडियन डोमिसाइल भी है, नेपालीज डोमिसाइल भी है, नेपाली बोलते हैं बट एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ करते हैं, एंड जो पलटन की जो तरतीब होती है ना यार, आई डोंट नो, दिस वेरी फ्रॉम रेजिमेंट टू रेजिमेंट, एंड आई ऑलवेज से यूनिट अच्छी बुरी नहीं होती है ना, बंदे अच्छे बुरे होते हैं, एंड ऑल गुड एंड बैड थिंग्स इन एनी ऑफ द यूनिट इंडियन आर्म फोर्सेज फ्लोस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कई बार मैं अपने काउंटर पीएस को भी देख लेता फ्रॉम अदर रेजिमेंट, यार मेरे ऑफिसर्स है ना डीले हैं, मैं सर कम ऑन हैव ए हार्ट, व्हाट डीले हैं, मैं सर कहीं तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, साल में 365 दिन मिलते हैं बिफोर यू राइट इज एसी, दबाओ बजाओ ठोको करो फिट उनको, ठीक है, बट ग्रेट इज गुड बट एटलीस्ट उस काबिल बनाओ, यू कांट कंप्लेन ऑन 365 डे की बद्दे फद्दू हैं, नो नॉट माई कप ऑफ टी, इन माई यूनिट इट वॉज नॉट अलाउड टू कंप्लेन अगेंस्ट एनी जूनियर, काम करके दिखाओ, उसे रिवाइज करवाओ, बता के देखो, बट यू टेल की सर आया था फद्दू प्रोडक्ट था, मैंने सर इसको बताया समझाया करके भी दिखाया, फिर दोबारा करवाया चेक किया, बट सर अभी बंदा फिट है सर, है ना, इट डिजर्व्स कॉम्प्लीमेंट्स। ये मैंने वहां से सीखा हूं गोरखों के बीच में रह के, है ना, कई लोग आते हैं जो आते हैं बिल्कुल टोटल टी टॉटलर, दे वर द फर्स्ट वन दोज हु टोल्ड मी हाउ टू यू नो टेक चार्ज, है ना, गो हॉर्सेस ड्रिंक लाइक ए फिश, ठीक है, बॉक्सिंग है कैसे खेलना चाहिए, यू लर्न इट फ्रॉम गोरखर्स, जब बॉक्सिंग की बात आती है, फुटबॉल की बात आती है ना यार, आई एम टेलिंग यू यार, दे आर एक्चुअली तबाही, ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं ना गोरखे, समझ में नहीं आता। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, हमारा जाट पल्टन के साथ में मैच चल रहा है, फुटबॉल मैच, बड़ी गोरखे हैं ऊपर से जाट, अच्छा मैं दोनों कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, आई एम गोरखा फर्स्ट एंड देन जाट फर्स्ट, एंड आई एम वाचिंग द मैच, बड़ी मैच शुरू हुआ, सीटी बजी उसके साथ में, बेचारे वो भी बज गए है ना, और गोरखे मजे ले रहे हैं थोड़ी देर के बाद में, कहते लो लो बॉल ले लो, वो पास आए बेचारे एक ही जगह ऐसे ड्रिबलिंग करे, वो घूमे जाट राम की बॉल को हो क्या रहा है, समझ में ना आए, पास पूछ देते ना बाद में, बोले गोल, एक हुआ दो तीन चार पांच छह सात आठ दस, मैं भाई करना क्या चाह रहे हो, हाफ हो गया, थोड़ा सा मैं है ना, लेट्स मेंटेन द डेकोरम, उस यूनिट की लेडीज भी हैं बच्चे भी हैं, थोड़ा आराम आराम से खेलो, थोड़ा एक आधा दो उनको भी बॉल, ऐसी दौड़ रहे हो आपस में पास कर रहे हो उनको, वो बीच में आते हैं सेंटर लाइन में रखते हैं, एक लात मारते हैं, उसके बाद में फिर भाग ही रहते हैं बेचारे, मैसे मत करो, दिस नॉट डन, बोले ठीक है सर, बट बाद में नालायक उन्होंने फिर वही शुरू कर दिया, आखिरी में बॉल है जटराम के पकड़ में आ गई, उन्होंने बोला लो, गुरके इतनी छोटी छोटी सॉक्स पहने, वो ऊपर घुटने तक पहने जाडराम, क्लियर डिस्टिंक्शन दिखाई देता, जब बॉल आई ना जाडराम ने दो बार यूं उछाली और यूं मारी बॉल खींच के ऊपर, वो बड़ी सॉलिड है ना शॉट, एंड पीछे से आवाज आई सीटियां बज रही, बोला बेटे गोल तो कोई भी कर दे, इतनी ऊंची मार के दिखाओ, मैं चलो दे फोन दे, यू स्टे हैप्पी नाउ दिस इज फेयर, सो इट वॉज गुड यार, खुश रहते हैं छोटी छोटी चीजों में, दे नो व्हेन टू चार्ज अप, हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली, अपनापन बहुत ज्यादा है यार गुरखों में ना, बहुत ज्यादा, आई हैव नेवर सीन मेरा बेटा कैसे बड़ा हुआ, व्हेन ही वाज इन क्लास में तो क्या था, ही वाज जस्ट 5 years ना, एंड ही यूज्ड टू स्पीक वंडरफुल बड़ी गुरखाली, भैया आते थे भैया के साथ में, दाई के साथ में आते ही बिल्कुल जैसे पहुंचता था केन लगा के गुरखा लगा के यूज्ड टू सैल्यूट मी, जेरी साहब हजूर ले केन लिंचा, मतलब व्हाट यू विल टेक है ना इन ड्रिंक्स, ऐसे में नथिंग, कहता नहीं साहब हजूर ले कुछ तो ले लो पर साहब, मतलब कुछ तो लीजिए, कुछ नहीं लीजिए, मैंने कहा नहीं छोड़े कुछ नहीं चाहिए, कहता ट्राई जिन, मैं नो, फिर मैंने पूछा ये, कहता नो, मैंने कहा वो भाई, फिर मैंने बड्डी को बुलाया, मैं भाई इसको लाइफ में कुछ बनाना है, मैंने 12 इंच नहीं बनाना, प्लीज स्टॉप गिविंग दिस चिली, ये चिली में जो ब्रांच है ना, ही नॉट स्टार्टेड गोइंग टू क्लास फर्स्ट, बट उनके साथ में रह के उसने वो सीखा, ठीक है, एंड इज्जत देते हर एक को, हमसे जो सीनियर होता है उसको गुरु जी बोलते हैं, गुरु जी एक भावना भी है एक तरीका भी है, मतलब मेरे जो सीनियर सबल्टन है अरुण सर कर्नल अरुण, मैं उनको गुरु जी बोलता हूँ, आई कॉल हिम गुरु जी, है ना,
सो ये एक बड़ी अच्छी चीज लगी मुझे, जो विच आई डोंट सी, है ना, कि शायद बहुत यूनिट्स में किसी में होता होगा. वी यूज टू कॉल देम गुरुजी. तो झील गाने में वजन लगता है यार, एंड दैट्स अ गुड ट्रेंड. देन गोरखास में इट इज आई थिंक द ओनली रेजिमेंट जहां पे, है ना, पीपल कॉल देम बाय नंबर्स. माय सीओ, माय सीनियर सबाल्टर्न, दे टोल्ड मी, कहता है यूनिट में अभी 1200 लोग हैं, नाम से मत चलना, कि भाई किशन बहादुर को बुला लो या लोकेश को बुलाओ या केशव को बुलाओ, कॉल देम बाय देयर नंबर, इट विल बी टेकन एज एन ऑफेंस. तो वेरी गोरु गोरखा यूनिट देवल से 41 गुरुजी, 71 गुरुजी, 74 गुरुजी, 24 को बुलाओ, 48 को बुलाओ, ऐसे होता है. बाकी यूनिट में, रेजिमेंट में नाम से बुलाया जाता है. इट इज अ सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंस काइंड ऑफ थिंग, यू नो, आपके जो डिजिट है 958 में आप नंबर से बुलाते हो. दिस इज हाउ आई हैव बीन ट्रेन. सो जब आप इतना इंटरेस्ट लेते हो, इमेजिन आपकी बंदों में पकड़ कितनी होगी, यू नो. फिर मैंने गोरखों में ये देखा है, बाकी जगह हम लोग जाते हैं, जो हमारी सिखलाई थी एज एन ऑफिसर, चेटवुड क्रेडो, कि हम बाकी जगह गए, कहीं कहीं हमने ये भी देखा है कि पहले, है ना, ऊपर टॉप टू डाउन अप्रोच चल रही है. हम लोग क्या करते थे, कहीं एक्सरसाइज एरिया कहीं पहुंचे तो सबसे पहले जवान के तंबू लगेंगे, उनका खाना पीना, रम इशू, टॉयलेट, पानी, एवरीथिंग डन. उसके बाद में हमें अपने लिए कभी बोलने की जरूरत नहीं. उन्होंने बोला, यार हम पहुंचे एक्सरसाइज में, यहाँ बॉस से पहले भी जवानों का लग गया, बट लेट्स टेक चार्ज एंड इंश्योर दैट आवर ऑफिसर्स शुड बी कंफर्टेबल. तो यार दे हैव डन इट यार, अप्रोच है अपनी अपनी, है ना. आई हैव लर्नड अ हेल लॉट ऑफ थिंग्स विद देम, आई कैन स्पीक ओवर नाइट. इट हैज बीन अमेजिंग जर्नी यार. गाना पीना मतलब एक जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, आई लर्न अमंग गुरखास. इमेजिन जहां पे मेरे बेटे को एक बार किसी ने पूछा था, आई थिंक सी यू ओनली आस्ट, कि कदक बड़े होके क्या बनना है, ही सेड अंकल मुझे बड़े होके आरपी हवलदार बनना है ना. ही सेड आरपी हवलदार, अभी फॉर दोज हु आर लिसनिंग टू अस एंड दे डोंट नो व्हाट इज आरपी हवलदार, आरपी हवलदार यू नो इज करता धरता सरपंच ऑफ द यूनिट, जो पूरा डिसिप्लिन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये वो एंट्री एग्जिट सब मेंटेन करता है. ही इज ऑलवेज स्मार्टली ड्रेस्ड, यू नो, विद अ बेल्ट चेन, गुरका हैट, पूरा यहाँ पे लगा होगा, ब्रास का लगा हुआ, आरपी हवलदार विद केन, एवरीथिंग, चेन लटक रही है, सब कुछ. कहता है अंकल वो बड़ा पावरफुल आदमी है. बोला क्यों? कहता है अंकल वो ऐसे हाथ करके ना गाड़ी रोक देता है. वो मैं भाई, ही इज नॉट फ्रॉम मावर्स, यू नो, उसकी ड्यूटी है, एवरी वन नोज, ट्रैफिक चैप है ना, ऐसे हाथ करने से गाड़ी रुकती है. तो ही इज आइडियाज वॉट लाइक दिस. Yes, sir. I can relate so much with your son, sir, because I am also, my father was also in the army. So I also used to see जी यार ये आरपी भैया के पास तो बड़ी पावर है. The day you know my father made me sit in front of his gypsy, that was I think the best day ever. He salute आ गया सामने से, हमने भी वो feel ले ली ना सर कि अफसर बन गया. तो just kid sir, बच्चे के लिए तो वही काफी होता उस समय. तो बिल्कुल यार, बिल्कुल. यू है ना, एक दिन एक और बताता हूँ किस्सा. एक बार तो कादिर ने ये भी पूछा था, मैसा ने यास पी द वे ए गोरखा बडी टेक केयर ऑफ ए चाइल्ड ना, नो वन एल्स कैन, डाउट ही नहीं इसमें तो यार. कुछ भी कह दो साहब, नानी लेके मनी ना बनू साहब मो एचो, वो अपने प्यार से बताएगा. तो मैं उसको अगर कुछ समझाऊ ना कि देखो ऐसे होता है, कहता नहीं आपको नहीं पता यार, आप भैया से पूछो, भैया ने मुझे बताया ये ऐसे होगा. तो मुझे बताना पड़ता है, मैं वो उस्ताद कोच साहब, मैं उसको बताऊ यार कि गलत है. वो मानने के लिए तैयार है. हिज ऑर्डर वर है ना इन सीक्वेंस, सबसे दुनिया में सबसे सही बात करने वाला, सबसे अच्छी बात करने वाला और मजबूत बात करने वाला भैया है, दाई, उसके बाद में भगवान, एंड देन पेरेंट्स, एंड चौथे नंबर पे माँ बाप. मतलब ए बडी इज प्लेस बाय किड्स इवन बियॉन्ड गॉड, है ना, दैट इज द वे. मतलब चाइल्ड दे लुक अप टू भैया, दाई. इवन मी सर, माय सन वांटेड टू बिकम वन, है ना, ही सेड कि अगर मुझे मान लो दाई बनना है तो कितना पढ़ना पड़ेगा. मैं बेटा अगर नहीं पढ़ेगा तो बन जाएगा. मैं लेकिन फिर बताया उसके बाद मेहनत बहुत करनी पड़ेगी बेटा, इट्स नॉट इजी थिंग, यू नो, बहुत पेलना पड़ता है अपने आप, एक साल लगता है पूरा. अच्छी जर्नी थी. Yes, I can actually relate. मैं भी जब छोटा था सर, I because father was not at home much, so I used to look up to you know भैया at home, and he was like a fatherly figure for me actually. So I'm still in touch. Yeah, even after going to the academy, I used to talk to him. I you know, even when you know he had to go, he wanted to go to ARA. So I remember I was crying all day long because it was like my father was going. So yeah. I can actually understand. But sir, फिर आप गोरखा से you made a transition now into special forces. So we will not discuss about operation and all because इतना you know net पे available है, but actually more on you know qualities and you know what all lessons you had there and how was your experience. Kuch koi kissa agar aap sunana chahte hain sir, to it would be great for the aspirants who are watching. Okay,
एज आई जस्ट सेड फ्यू मिनट्स बैक सुमित, मेरा अपना मानना है यार, इट वाज जस्ट है ना, आई सेड कि सारी यूनिट अच्छी है, सारी रेजिमेंट अच्छी है, अगर आप अच्छे हो तो सारी रेजिमेंट अच्छी है, अगर आप में खुद में दम नहीं है और आप खुद ढीले हो, हल्के हो ना, तो आप चाहे कैसे कलर की मेरून लगा लो, चाहे ग्रीन लगा लो, चाहे रेड लगा लो, आप में दम नहीं है तो यार कोई फायदा नहीं. रेजिमेंट डज नॉट मेक ए है ना मैन, मैन मेक्स रेजिमेंट. यू नो अच्छे लोग आते हैं किसी यूनिट में तभी कहानियां बनती हैं. ठीक है. सो मुझे लगा इट वॉज हार्डली एनी ट्रांजिशन फॉर मी अदर देन द चेंज ऑफ द कलर इन द कैप. पहले ग्रीन थी, बाद में मरून हो गई. मैं वैसा ही था, मेरा स्टेट ऑफ माइंड सेट वैसा ही था, कुछ चेंज नहीं हुआ. ओनली सेट ऑफ पीपल है ना वो इन फ्रंट ऑफ मी चेंज हो गए. पहले मैं यू नो आई वॉज वर्किंग विद अ टीम, नाउ आई वॉज इन कमांड वेयर पीपल वर विद मी. माइंड सेट वैसा ही था मेरा. सो जब यूनिट में पहुंचा तो दे सेड कि सर है ना आई एम वेरी प्रिविलेज एंड ऑनर टू हैव वर्कड अंडर योर कमांड. मैं बेंड डाउन, मैं मार 20 पुशअप, मैं मार 50, मार 100. मैं प्रॉब्लम किधर है वैसे पता नहीं. मैं ये आज बोल दिया, दोबारा मत बोलना सर आई सर्व्ड अंडर योर कमांड. मैं सबको क्लियर कर रहा हूं, नो बडी इज गोइंग टू सर्व अंडर माई कमांड, वी आर गोइंग टू सर्व टुगेदर. मैं समझ में आ जाएगी तुम्हारे तो सुखी रहोगे, दोबारा पुशअप नहीं लगेंगे. बट इफ यू कीप रिपीटिंग दिस लाइन सर आई सर्व्ड अंडर हिज कमांड, आई एम सर्विंग अंडर हिज कमांड, इतना हल्का महसूस करने की जरूरत नहीं है, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, उसमें ज्यादा मजा है. यू नो नीदर आई गेट एनी प्लेजर आउट ऑफ दिस. तो मेरा माइंड सेट चेंज नहीं हुआ, मैं वैसे ही था यार. बट यस, वेपन एंड इक्विपमेंट प्रोफाइल चेंज हो गई, काम करने का तरीका चेंज हो गया, ऑपरेशन स्कोप था बहुत चेंज हो गया. यू नो लैंग्वेज ह्यूज ट्रांजिशन. यू नो पहले लोगों को जानता था इतने सालों से, नाउ ऑल ऑफ अ सडन दे वर न्यू फेसेस. पहले सबके नंबर बड़ी मुश्किल से याद किए, नाउ अगेन द सेम नंबर्स हैड टू रिमेंबर. तो कई बार ऑफिसर्स कहते, बोला सर हम सारे बाहर से आए अलग अलग इनसे, ऑफिसर्स फ्रॉम एस एफ पैरा एंड अदर रेजिमेंट. कहते सर हाउ डू यू रिमेम्बर एंड एवरीबडी इज नेम इन दिस थिंग. मैंने कहा यार ये यू नो पेरेंट यूनिट की सिखलाई है, अंधेरे में पीछे खड़ा कर दो, मोमेंट इसे जेरी साहब आवाज सुन के बताऊंगा बिल्कुल बंदा कौन खड़ा पीछे, पलट के नहीं देखूंगा. है ना. सो वो जो चीजें वहां सीखी थी वो यहां पे बहुत काम आई. जो बेस्ट प्रैक्टिसेस सिंस यंगस्टर टिल लेफ्टिनेंट कर्नल वहां पे सीखा था, वो यहां पे काम था ट्रांसलेट करने का. एंड प्लस जो चीजें मेरे को लगा ना कि भैया हमेशा मैंने देखी और मुझे लगा कि ये सही नहीं है, वो मैंने चेंज करने की अपना वो करी पूरी कोशिश, करी काफी हद तक. जैसे फॉर एग्जाम्पल फौज में हमेशा बताया जाता है हमेशा कि छुट्टी इज नॉट योर राइट, इट इज योर प्रिविलेज. ये बताते ना, हमारी भी छुट्टी ऐसी कभी मिली 10 बार रद्द हुई है ना, छुट्टी इज नॉट योर राइट, ये आपका हक नहीं है, इट इज योर प्रिविलेज. मैं आते ही अपने ऑफिस के बाहर बोर्ड टांगा, मैं पहला कोट तो मेरा होगा भैया, मैं इस पर लिखो कि छुट्टी इज नॉट अ प्रिविलेज, इट इज योर ब्लडी राइट. ठीक है, इसको ऐसे लिखो, मैं देखना चाहता हूं. तो लिखा उसमें छुट्टी इज नॉट योर प्रिविलेज, इट इज योर राइट. मैं नीचे लिखो एंड इट इज माई ड्यूटी एंड आई एम डैम गुड विद माई ड्यूटी, ये भी लिखो. ठीक है, मैं गिव इट अ शॉट. अब नीचे लिखो कर्नल राजीव, मैं ये मेरे ऑफिस के बाहर लगा होना चाहिए. तो जो भी छुट्टी के लिए आता है सर छुट्टी, तो मैं आई नेवर यूज टू गेट इन टू दैट. अच्छा गोरखास में सीखा, जब भी आओगे बिल्कुल एकदम टेक, बिल्कुल जेरी साहब नाम नंबर सो एंड सो, इतना प्लेटून ये वो कंपनी फलाना फलाना, छुट्टी जाने के लिए 3 दिन की छुट्टी जाना चाहता हूँ, शर्मा पूरी डिटेल देगा. मेरे पास अब इट वॉज माई टाइम, माइंड सेट एस एफ वाला था, ट्रेनिंग वहां से लेके आया था. ओके मैं बोर्ड लग गया उल्टा करके, प्रिविलेज की जगह ड्यूटी बल लग गया. मैं जो भी आएगा छुट्टी जाने के लिए, मैं नो बेल्ट नो टोपी. ठीक है, आई डोंट वॉन्ट दैट सेरेमोनियल थिंग. मैं अभी पुशअप लगेंगे तो 100-100 पुशअप लगवाता मैं. ओके नकल्स पे, अभी फिंगर्स पे जूस मैं भी लगाता था, है ना, सुविधा मेजर साहब भी लगाते थे TYC में. एवरीवन जो है लेट जाओ सारे, और मैं तुम्हें से जो भी मन में मेरे बारे में सोच रही ब्लडी सेम टू यू गाइस, कीप गोइंग ऑन. तो चलता रहता था शो. आई ओनली यूज टू आस्क ओनली वन क्वेश्चन. मैंने कहा ये बताओ तुम्हें से कोई ऐसा आदमी है जो घर में जा रहा है, घर में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज मुझे बताओ. तो कोई अगर कभी हाथ खड़ा करता है, ये सर मेरे घर में दिक्कत है, मैं ओके आप लाइन तोड़ो, आप बाहर आ जाइए, एंड वंस द इंटरव्यू इज ओवर मैं यू कम टू माय ऑफिस. सो आई यूज्ड टू हैव अ डिटेल सेशन विद हिम, मैं क्या दिक्कत है, कब से है, व्हाट आई कैन डू फॉर यू, आई यूज्ड टू ओपन माय हार्ट, है ना, ताकि बंदा मुझे बताए. बाकी जो जनरल हैप्पीनेस में जा रहे हैं, मैं अच्छी बात है, बट डोंट गिव मी रीजंस, घर में दिक्कत है, छुट्टी है, झूठ नहीं बोलना, सच बोलो, 30 दिन मांगो, 60 दिन दूंगा छुट्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जो जो सर्विस में देखा था ना यार कि ये लोग बोलते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता काम, वो सारे स्टंट ट्राई करके देखे, व्हेन आई वाज इन कमांड, है ना, एंड आई रियलाइज कि दैट इज द वे टू गो अबाउट इट. मजा आ गया. एनी फनी इंसिडेंट यू सेड, एक जंप्स का बताता हूँ फनी इंसिडेंट. हम लोग जंप के लिए गए, जंप ट्रेनिंग चल रही थी. अभी इट जस्ट हैपेंड कि जंप के लिए ना तकरीबन लग जाता है 1.5-2 महीना तैयार होने में आपको, ट्रेनिंग देन जंप, शॉर्टेज, वेदर
कंडीशंस एंड अदर थिंग, टाइम वाज लेस, तब तक मैंने रैंक पिकअप नहीं किया था, बट मेरा रिजल्ट आ गया था. सो आई वाज टोल्ड टू चॉइसेस, पहला कि पहले रैंक पिकअप करो एंड देन उसके बाद में ट्रेनिंग करो और फिर अपना जंप करो, दूसरा पहले जंप कर लो और वो कर लो, विच एनी वाइज मैन विल नॉट टेक एन ऑप्शन. व्हाई? बिकॉज अगर कुछ हो गया, छोटी मोटी चोट लगी तो कमांड तो गई. अब लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हो गए, यू विल नॉट गेट ए कमांड. बट ठीक है, टूट फूट ही होगी ना, मैं बर्दाश्त कर लेंगे मैं. बट सर जब मैं आ रहा हूं तो उसके बाद में एयरबॉर्न एक्सरसाइज सारे कूदेंगे और मैं नीचे बैठ के ढक्कन की तरह देखूंगा, हो नहीं पाएगा मेरे से, करना है पहले. तो करा हम लोगों ने, गिनती के दिन थे मेरे पास, गए हम लोग ट्रेनिंग करने लगे यार, दबा के रगड़ा, सॉलिड रगड़ा. रैंक रूम तो हम लोगों ने रख दी थी, मैं भैया रख दो जब तक यहाँ पे है, रैंक रूम का कोई लेने देने, भैया स्टूडेंट जितना बजा सकते हो बजा दो खुल करके. बहुत अच्छे सिखाने वाले थे, हमने भी बहुत अच्छे से मेहनत करके सीखा, बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स था, जंप थे, है ना, सारी चीजें सीखी. फाइनली द डी डे केम कि आज जंप करनी है, तो हम लोग हमने यूनिफॉर्म वगैरह लगाई एंड घर से चल दिए डीजेड की तरफ, वहां से हमने बोर्ड करना था. नाउ डीजेड की तरफ जब हम लोग जा रहे थे तो मेरे साथ में वन ऑफ माय नेबरिंग बटालियन कमांडर, ही वाज सिटिंग विद मी, ही हैपेंड टू बी माय सीनियर, वेरी डियर फ्रेंड. मैंने कहा सर आप बैठो, मैं ड्राइव करता हूँ. हम ड्राइव कर रहे थे एंड सर कभी गुनगुनाते मैंने सर को नहीं सुना, वो कभी गाते भी नहीं थे. उस दिन पता नहीं उनके अंदर का क्या तानसेन जागा, ही स्टार्टेड सिंगिंग ऑल ऑफ अ सडन. एंड इमेजिन, मेक ए वाइल्ड गेस, क्या गाना गा सकता है आदमी व्हेन यू नो इट इज योर फर्स्ट जंप एंड आप जंप के लिए जा रहे हो. अच्छा, कॉन्शियसली नहीं, ऐसे ही अपने आप ही गुनगुनाने लगे, कहते मौला ले 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 मेरी जान. तो मैंने एकदम ब्रेक मारे, मैं सर हैव ए हार्ट यार, और पहली जंप है ना, इतने मोटिवेशनल सॉन्ग गाओगे तो मुझे नहीं लगता अपना कुछ निकलने वाला है. मैं वैसे तो गाने गाते नहीं हूँ, आज आप में तानसेन की आत्मा आ गई है और ऐसा थीम बेस्ड सॉन्ग उठाया आपने कि मौला ले ले मेरी जान, ऐसा सरस्वती का जवान पे एक बार बैठती है पूरे दिन में. एंड मैं यू नो अगर वो विश ग्रांट होगी ना तो यू नो वेयर वी आर गोइंग, यू नो, बिकॉज गाना इतना थीम बेस्ड गा रहे हो. मैं सर स्टॉप सिंगिंग दीज मोटिवेशनल सॉन्ग, मेरी सिर वो शर्ट यार पहला जंप है, सॉरी यार, पता नहीं क्यों अचानक से मैं गाने गाने लग गया, ये बोला बंद कर दिया. हम फिर बात करते रहे हंसी मजाक की, एंड फाइनली व्हेन वी क्लोज डाउन, जैसे ही मैंने एंट्री मारी डीजल में गाड़ी के साथ में, अचानक से सर का फिर वायरस जाके कहते मौला ले ले. मैंने कहा सर मुझे नहीं लगता आज वी आर गोइंग टू हैव हैप्पी लैंडिंग्स, आप केस क्लोज करा के छोड़ोगे. मैं सर खबरदार जो गाना गाने की सोची भी, गाना तो दूर की बात है. फाइनली उसके बाद में वी वेंट, वी जंप्ड एंड इट वाज अ ग्रेट ग्रेट एक्सपीरियंस एंड अगेन फर्स्ट लव काइंड ऑफ थिंग, फर्स्ट जंप, यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग, ग्रेट फीलिंग.